नमस्कार दोस्तों, आपने महाभारत की कुछ ऐसी प्रेम कथाएं तो सुनी होंगी। कुछ तो प्रसिद्ध हैं और कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में लोगों ने सुना तक नहीं है। तो जानते हैं उस कहानियों के बारे में इस वीडियो के दौरान। नंबर एक, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं जिनके साथ उन्होंने विवाह किया था, लेकिन कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा दिनों तक इंतज़ार करना नहीं पड़ा या ज़्यादा समय तक उन्हें इंतज़ार करना नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लिए विवाह करने के लिए उन्हें सिर्फ अगला ही जन्म यानी कि पूर्ण जन्म लेना पड़ा, जब जाके भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका विवाह हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने शक्तिमान थे कि उन्हें कहते हैं कि वह किसी भी तरह से किसी को भी प्यार कर सकते थे। नंबर दो, अर्जुन और उलूपी, जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। आपने तो ज़्यादातर सुना है कि अर्जुन की शादी द्रौपदी के साथ हुई थी, लेकिन द्रौपदी के अलावा उलूपी भी उनके प्रेम में पड़ चुकी थी, जिन्होंने अपने प्रेम को स्थापित करने के लिए अर्जुन का अपहरण किया, जिस कारण से उन्होंने अर्जुन को मनाया और अपने साथ रहने के लिए वंदित किया। कहते हैं कि अर्जुन ब्रह्मचार्य में बंधे हुए थे क्योंकि उन्होंने द्रौपदी से शादी कर रखी थी, इसलिए वह किसी और से शादी या किसी के ख्यालों के बारे में सोच नहीं सकते थे। लेकिन अंततः उन्हें एक वरदान मिला कि उन्हें वह पानी में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तीन, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की शादी। आपने सभी ने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के परिवार के खिलाफ जाकर रुक्मणी से शादी की। हालांकि रुक्मणी उनसे प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी उनके परिवार वाले उनके साथ नहीं थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण किया और उनसे विवाह किया। नंबर चार, हिंडीवा और भीम की शादी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि भीम कुंती के पुत्र थे, लेकिन हिंडीवा एक नरभक्षक थी, लेकिन उन्होंने भीम से शादी करने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई और उनके साथ उनका विवाह हो गया। भीम और हिंडीवा का एक पुत्र घटोत्कच था, जो कि वह पुत्र की देखभाल उन्होंने अकेले ही की थी। नंबर पाँच, सत्यवती और शांतनु का विवाह। कहते हैं कि शांतनु सत्यवती की खुशबू से ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उनकी खुशबू का पीछा करते करते नदी के किनारे तक पहुंच गए। उन्होंने सत्यवती को नदी के तट पर पाया, जहां पर वह नाव में बैठी हुई थी, और शांतनु ने उनसे आग्रह किया कि वह नदी पार कराए, और शांतनु को उन्होंने नदी पार कराई। उसके पश्चात उन्होंने उनसे कहा कि वह उनसे विवाह करना चाहते हैं, तो सत्यवती ने उनसे कहा कि मेरे पिता की कुछ इच्छाएं हैं जिसके शर्त पर ही मैं आपसे विवाह करूंगी। उन्होंने उन शर्त को पूरा किया और सत्यवती और शांतनु का विवाह हुआ। तो ये थी वह प्रेम कहानियां जिनके बारे में कुछ लोगों ने तो सुना है और कुछ लोगों ने नहीं। इस वीडियो के दौरान आपको उन कहानियों के बारे में भी पता चलेगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।